तो मोदी सरकार तो ना श्रमिकों को दे सकती है ना किसानों को। यहाँ युवाओं की बेरोजगारी देख लीजिए, आम जनता की महंगाई की मार देख लीजिए, उनको सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है, उनकी कोई गारंटी इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं होने वाली है। मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार, 15 लाख देंगे और तो ये करेंगे वो करेंगे सब, लेकिन ना वो लोग कुछ नहीं दिए, ये लोग खाली झूठ बोल रहे, क्योंकि वोट जीतने के लिए ना सत्ता में आने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं और सत्ता हासिल करते हैं। जैसे हम लोग ओबीसी से आते हैं, कोलता जाति से आते हैं, जितना यहाँ हमारा जनसंख्या ज्यादा है उनको टिकट नहीं मिलती, बाकी लोगों को मिलती है, ये सब हमको लाभ मिलेगा। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा इसी के लिए किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली है जिसमें नारी न्याय भी शामिल है, लगातार मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे मणिपुर हो या दिल्ली, महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती है, उनको अनसुना किया जाता है। क्या लगता है महिलाओं को इस देश में न्याय की ज़रूरत है? हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जिस दिन बनेंगे महिलाओं का कितना सम्मान होता है आप लोग सबको पता है कि महिलाओं को कैसे हमारे कांग्रेस पार्टी इज्जत देती है। हमारे कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो 30% रिजर्वेशन दिया, 50% भी दिया। जब हमारी सरकार यहाँ थी तो महिलाओं के ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुआ। जैसे बीजेपी सरकार बैठी है आप देखें बस्तर में कितना गोला बारूद दारू जो हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं वो आपको भी पता है, मीडिया वालों को। बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है, वो बड़े लोगों की सरकार है, बिजनेसमैन लोगों की सरकार है। अंडानी अंबानी हमारे यहाँ के कोयला सबको ले जा रहा है, ये सब हमारे राहुल गांधी जी इसके लिए ही न्याय यात्रा निकाले हैं, हमारे देश को बचाने के लिए। जाति जनगणना उसके आधार में रिजर्वेशन होना चाहिए, वो नहीं मिल रही। अभी तो जो रिजर्वेशन पास किया है 50% या कहीं 30% वो मिल रहा है। जाति जनगणना जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन सभी हम लोगों को सबको न्याय मिलेगा। जैसे हम लोग ओबीसी से आते हैं, कोलता जाति से आते हैं, जितना यहाँ हमारा जनसंख्या ज़्यादा है उनको टिकट नहीं मिलती, बाकी लोगों को मिलती है, ये सब हमको लाभ मिलेगा। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा इसी के लिए किया गया है। अभी तो भाजपा के जो भी चुनावी वादे हैं अभी तक तो कोई भी वादा उनका कहना चाहिए पूरा नहीं हुआ। ना किसानों को उन्होंने 3100 रुपये अभी फंडिंग दिया, ना महतारी वंदन योजना जो लागू किए थे, अभी फॉर्म भराने में इतने हमारी महिलाओं की लाइन लग रही है। उनका जो भी वादा था अभी तक तो कोई भी वादा ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आप लोग देख रहे हैं सिर्फ महिलाओं की ही बात हम क्यों करें, हम जिस न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं उसमें 5 जो मुख्य न्याय, यहाँ के श्रमिकों की स्थिति देख लीजिए आप, किसानों की स्थिति देख लीजिए, कितना आंदोलन किए हैं और उसके बाद उनको किस तरीके से मोदी सरकार ने दबाया कुचला, यहाँ तक कि उन पर गाड़ी चढ़ा रही है। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का जो जुमला ही है 33% हम दे रहे हैं, ये संसद में पास तो करते हैं पर कब कानून आएगा इसका कोई अता पता नहीं है। एक भी महिला को आज न्याय मिला है क्या? हमारी बेटियां जिस दिन नए संसद भवन के आप उद्घाटन करते हैं सड़क पर नामचीन बेटियां आपकी रौंदी जाती हैं, ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन किसी महिला को न्याय मिला क्या? जब उनको नहीं मिल सकता तो हम कौन होते हैं? हम एक भारतीय सामान्य महिला हम किस न्याय की उनसे उम्मीद करें? तो मोदी सरकार तो ना श्रमिकों को दे सकती है ना किसानों को। यहाँ युवाओं की बेरोजगारी देख लीजिए, आम जनता की महंगाई की मार देख लीजिए, उनको सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है, उनकी कोई गारंटी इम्प्लीमेंट ग्राउंड पर नहीं होने वाली है। मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार, पूरे भारत की जनता समर्थन करी है। चुनाव कैसे जीता जा रहा है आप लोग, आप चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देख लीजिए किस तरीके से जीता जा रहा है। आज आपका चुनाव हुआ नहीं पर बोलते हम 370+ सीट लाएंगे, ये क्या है? अहंकार है ना आपका? आप कैसे जीतेंगे आपको पता है, पूरा देश देख रहा है, तो चुनाव कैसे आप जीत रहे हैं? अगर आप जनता के साथ रह के सही लोकतंत्र के तरीके से आप चुनावी जो होता है उसमें कराएं तो निश्चित तौर पे हमारी कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं हरा सकती। कि हमारे महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कि क्योंकि यहाँ किसान के अभी आने जो साय जी हैं ना, वो जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं कि वो लोग दिए धान का रेट इतना बढ़ाएंगे करके दिए थे 3100 रुपये, लेकिन अभी तक उसमें कुछ दिए नहीं हैं, वही के वही है। लेकिन वोट मांगने के लिए ना उन लोगों को इतना झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। पिछले बार भी वैसी किए थे कि हम लोग 15 लाख देंगे और तो ये करेंगे वो करेंगे सब, लेकिन ना वो लोग कुछ नहीं दिए, ये लोग खाली झूठ बोल रहे, क्योंकि वोट जीतने के लिए ना सत्ता में आने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं और सत्ता हासिल करते हैं। आपने देखा
इस देश की महिलाओं की आवाज़ है कि जो तानाशाही मोदी सरकार कर रही है, जो अन्याय मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा की ज़रूरत है और राहुल गांधी इस न्याय यात्रा में सफल होंगे और न्याय के हक की ये लड़ाई जारी रहेगी। न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक।